हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ हमारी हो रही है मॉर्निंग की एक्सरसाइज जो डेली रूटीन में होती है हमारी। तो गाइस, आज हमारी कुछ स्पेशल एक्सरसाइज है। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप प्लीज़ सिंपल एक्सरसाइज हमें बताइए। तो गाइस, ये सारी एक्सरसाइज जो आज हम कर रहे हैं ये बहुत ही सिंपल है, इन्हें आराम से कोई भी कर सकता है। और गाइस, एक्सरसाइज तो वैसे जो मोटे हो या पतले हो सबको ही करनी चाहिए। ये हमारी सिर्फ मोटापे से रिलेटेड नहीं होती, हमारी बॉडी से, हमारी हेल्थ से भी बहुत रिलेटेड होती है। हमारे हेल्थ को ठीक रखती है, स्वस्थ रखती है, हमें एक्टिव रखती है। तो देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं पानी पीने के लिए और यहाँ बैठ के ही हम पानी पियेंगे और उसके बाद हम पियेंगे अपना शहद नींबू। तो गाइस, ये हमारे डेली के रूटीन है जो हमें करने ही करने हैं। और गाइस, उसके बाद हम आ गए हैं नींबू अपने फेस पे लगाने के लिए। तो गाइस, नींबू बहुत अच्छा होता है अपने फेस के लिए, हमारी फेस की सब गंदगी को क्लीन करता है। और उसके बाद गाइस, हम हो गए हैं रेडी। तो नहा धो के यहाँ रेडी हो गए और अपने तैयार हो रहे हैं। और गाइस, जब से हम 32 बार कर रहे हैं तब से हमारे बालों में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम तो हो गए हैं रेडी और देखिए आज है हमारा फिर से एक नया लुक। तो गाइस, आज ये साड़ी पहनी है और मैंने कहा चलो साड़ी, अब ब्लाउज़ वगैरह ढीले तो हो ही गए हैं, तो मैंने कहा चलो क्यों ना आप साड़ी पहन ले जाएँ। और साड़ी में मेरे को भी खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मतलब बीच बीच में डाल लेती हूँ। गाइस, कैसे लग रहे हैं हम, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मतलब 32 बार ने तो हमारे सारे अरमान पूरे कर दिए, मतलब ये सब कुछ जो हो पाया वो 32 बार की वजह से हुआ है। नहीं तो मैं साड़ी पहले पहनती थी ना तो बड़ी मोटी लगती थी और अब मैं पतली, मतलब स्लिम स्लिम हो गए साड़ी पहनो ना, उसकी तो कुछ बात ही अलग होती है। तो गाइस, घर पे रहते हुए मैंने और अपना वज़न कम किया है, तो मेरा तो जो भी मैं करती हूँ अगर आप लोग भी वो सब करेंगे तो आपका वज़न भी ज़रूर कम होगा और अब मेरी तरह आप जो मर्जी चाहे पहन सकते। और मैं आपको साड़ी का पूरा लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, तो आप लोग बताइएगा साड़ी कैसी लग रही है और स्लिम स्लिम। और मैं आपको पुरानी फ़ोटो भी दिखाऊंगी अपनी, जो मेरी पुरानी फ़ोटो थी और जो मेरी अब की साड़ी की फ़ोटो है, आप खुद देखना कितना फ़र्क है दोनों में। तो देखिए गाइस, ये हमने अपनी पिक लगाई है, एक पुरानी और एक अब की है, मतलब मार्च की है। तो गाइस, आप चाहे तो मेरे व्लॉग में भी चेक कर सकते हैं कि हमें कितना फ़र्क लगा है। तो गाइस, ये देखिए अब हम आ गए हैं पानी पीने के लिए। तो यहाँ गर्म पानी हमारा हो गया है, तो बैठ कर ही घुट घुट कर कर ही पानी पियेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आराम से बैठेंगे और ये देखिए हमारा शैतानू भी आ गया है। तो ये आराम से घुट घुट करके पानी पीना ही बेस्ट होता है, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ। तो गाइस, उसके बाद हम आ गए अपने फ्रूट्स कट करने के लिए। तो ये हमारे फ्रूट्स भी कट हो चुके हैं और उसके बाद बनाएंगे अपने बाबू के लिए दाल। मतलब अलग अलग चीज़ मैं बनाती रहती हूँ, कभी दलिया कभी दाल, और अपने लिए भी हम खाना रेडी कर लेंगे। तो यहाँ अपने लिए, तो गाइस देखिए हमारे फ्रूट्स कट हो चुके हैं। तो फ्रूट्स आज ज़्यादा कुछ नहीं है, सेब और अंगूरी है, तो धीरे धीरे फ्रूट्स ख़त्म ही हो रहे हैं। तो लेके आऊँगी गाइस, बस यही है, टाइम नहीं मिल पाता बाजार जाने का। तो कोई नहीं, जो है वो खा लेते हैं। और गाइस, मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि खाली पेट फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, तो मतलब ऐसा उन्होंने बोला। तो गाइस, बट हम फ्रूट्स खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रूट्स नहीं खा सकते। तो आप आराम से अपने भरपूर फ्रूट्स खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली पेट में भी आप खा सकते हैं। तो चलिए गाइस, फ्रूट्स को करते हैं इंजॉय। तो देखिए गाइस, फ्रूट खाने के बाद हम आ गए किचन में और यहाँ देखिए हमने चने और दाल को भिगो के रखा था और इसको कपड़े में बांध के इसको अंकुरित करने के लिए रख देंगे। तो गाइस, ये अच्छे से बांध दिए कपड़े में, अब ये हो जाएंगे अंकुरित। और थोड़े से हमने चने अपने लिए बचा लिए थे क्योंकि हमें इसकी बनानी है चाट। तो गाइस, इसकी हम चाट बनाएंगे, इसमें टमाटर, गाजर, चुकंदर, जो भी मेरे पास है वो मैं सब कुछ मिला दूंगी, वेजिटेबल जो भी हैं, और इसमें नमक मिर्च नींबू मिलाकर इसकी सिंपल सी हमारी ये चाट बन गई है। तो गाइस, यहाँ बैठ के हम ये चाट खा लेंगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए। आप इसको बॉईल करके भी खा सकते हैं, पर मेरे को ऐसे ही खाना था तो मैंने इसको ऐसे ही खा लिया। तो चाट वगैरह खाने के बाद अब हम आ गए हैं अपने खाना बनाने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे हम बनाएंगे दाल। तो दाल में तड़का लगाएंगे और ये देखिए हमारी दाल भी लगभग बन गई है। तो गाइस, हमारा खाना भी रेडी हो गया है। तो हमने ली है आलू की सब्ज़ी और ये दाल, और साथ में लिए दो रोटी और ये है बहुत सारा सा सैलेड।
तो देखिए गाइस यहाँ हमारा बाबू बैठा हुआ है और कर रहा है पढ़ाई, और ये हम लेके आ गए अपना लंच। तो गाइस यहाँ बैठ के आराम से अपना लंच करेंगे, और हमारा बाबू की शैतानी तो चालू ही रहती है। तो देखिए गाइस यहाँ हम बाबू को अपना खीरा दे रहे हैं, पर वो खाता ही कुछ नहीं है और बस शैतानियाँ करते हैं। तो यहाँ हम बड़े आराम से बैठ के अपने खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद हम आ गए वज्रासन में। ये बहुत ज़रूरी है खाना खाने के बाद। हेलो गाइस, तो गाइस अब हो चुकी है शाम, और शाम के बज गए हैं 6। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं, और हमने खाना वगैरह खाया था दिन में, और उसके बाद हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हमारा बाबू थोड़ा सा हमें परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको नींद वगैरह भी आ रही थी। दिन में सुबह जल्दी उठ जाता है ना मॉर्निंग में, तो फिर उसको नींद वगैरह आती है। तो मैंने कहा चलो पहले बच्चे को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भाई साहब जी हमारे अभी तक सो रहे हैं। तो गाइस बाबू तो अभी सो रहा है बड़े मस्त से। मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि रात के टाइम आप क्या लेते हैं, क्या क्या खाते हैं, और आप ना बताइए। तो गाइस मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि रात में आप जब भी कुछ भी खाते हैं तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि रात के जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। हम जो भी कुछ भी खाते हैं वो डाइजेशन होने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो काम धीरे करता है। इसलिए हमें रात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, तो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो गाइस पहली बात, खाना हमें जल्दी खाना चाहिए, खाना हमें जल्दी खा लेना चाहिए, 7 बजे तक हमें खा लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8, इससे ज़्यादा लेट हमें नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, खाना खाने के 3 घंटे बाद ही हमें सोना चाहिए, उससे पहले हमें नहीं सोना चाहिए। तो जैसे आपने खाना खाया 8 बजे खाना खाया, उसके 3 घंटे बाद ही आप सोने जाएं। अगर आप कुछ भी खाते हैं रात में तो हल्का ही खाइए, खाते हैं तो हल्का ही खाइए, जितना हो सके कम खाइए। मतलब ब्रेकफास्ट में आप ज़्यादा खाइए, फिर लंच में आप थोड़ा सा कम करिए, और डिनर आते आते बिल्कुल ही कम कर दीजिए। तो मतलब बिल्कुल क्या मतलब, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाइए, और नहीं भी अगर स्किप करना चाहते हैं तो रात को आप स्किप भी कर सकते हैं, पर ब्रेकफास्ट स्किप ना करिए, आप डिनर स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और गाइस अगर आपको भूख लगती है रात को, जैसे आप अगर स्किप कर देते हैं और आपको रात को भूख लगती है, तो आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सोने से पहले। और नींद, तो गाइस सबसे बड़ी बात है नींद, हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, कम से कम 7 घंटे की नींद हमें लेनी ही लेनी है। तो गाइस हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी नींद पूरी हो, रात में हम आराम से सोएं, क्योंकि इससे भी हमारा वज़न बढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब हमारा वज़न गेन होता है। हो सके तो आप रात को गर्म पानी पी लीजिए, अगर आप हल्दी वाला दूध नहीं पी सकते हैं तो गर्म पानी पीजिए, वो भी आपके लिए, जैसे खाना खाया उसके 1 घंटे बाद आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो गाइस यही कुछ हमारी टिप्स हैं जो रात के लिए आपको ध्यान रखनी है, कि जिससे हमारा वज़न ना बढ़े अगर हम वेट लॉस जर्नी पर हैं, और अगर कोई वेट लॉस जर्नी पर नहीं है वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि हम वेट लॉस नहीं करें पर हमें अपनी बॉडी को तो स्वस्थ रखना है ना, अपनी बॉडी को तो हेल्दी रखना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो देखिए गाइस अब हो गई है शाम, और जैसे कि हमने आपको बताया, और हम आ गए किचन में, और हमने आज बॉईल करे हैं भुट्टे के दाने, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं वो ज़रूर खाइए, और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में भी। तो इनको बॉईल किया है, इसमें नमक मिर्च नींबू डाला है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ बैठ के हम आराम से इनको खाएंगे, हम तो पहले भी खूब खाते थे और अब भी खाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी कट हो गई है, तो आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है। तो गाइस अब हो चुकी है रात, और सारे काम वगैरह हो गए हैं हमारे, और आज खाने में कुछ नहीं खाया है, तो आज हमने रोटी को कर दिया स्किप, क्योंकि शाम को ही थोड़ा बहुत वो खाए थे भुट्टे के दाने वगैरह, जो वो थोड़े हैवी हो गए, तो मन नहीं कर रहा कुछ खाने वगैरह का, और तो मैंने कहा चलो आज रोटी को स्किप कर देते हैं। तो रात में लूँगी हल्दी वाला दूध है। तो गाइस अगर हम वेट लूज करने पर हैं तो हमें सबसे बड़ी चीज़ को क्या करना है, कि हमें अपनी भूख पे कंट्रोल करना है, अपने मन पे कंट्रोल करना है। अगर हम अपनी भूख पे कंट्रोल कर लेंगे और अपने मन पे कंट्रोल कर लेंगे तो हम पतले बेशक हो जाएंगे। चाहे आप कुछ भी मत करो, आप कुछ भी मत करो, आप अपने मन पे कंट्रोल करो, अपनी भूख पे कंट्रोल करो, क्योंकि थोड़ा बहुत खाने को भी अवॉइड करना पड़ता है, ये नहीं कि हर समय खाते ही रहो। तो अगर पतला होना है तो थोड़ा अपनी भूख पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और अपने आप को ये विश्वास दिलाना होगा कि हमें पतला होना है तो हमें ये सब पतले होने के लिए करना है। तो गाइस कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो चले गाइस अब करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हम आपके पास फटाफट से आ जाएँ। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।